तृणमूल कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए कार्टून को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी की आलोचना की है। इस कार्टून में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक सीढ़ी को लात मारते हुए दिखाया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे सीनियर नेता खड़े हैं। टीएमसी ने एक्स पर कार्टून को शेयर करते हुए लिखा, बंगाल के द्वार किले बंद है, ममता बनर्जी यहाँ पहरा दे रही है। बीजेपी के जमींदार जो रेंग कर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद को लड़खड़ाते हुए पाएंगे। कार्टून में पीएम मोदी के अलावा केंद्र गृह मंत्री अमित शाह, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय भी दिख रहे हैं। वही इसके बाद बीजेपी भी आग बबूला हो गई। बीजेपी बंगाल ट्विटर हैंडल से इसका जवाब दिया गया, ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में टीएमसी का पोस्ट था। हालांकि इसमें तो कुछ और बातें भी जोड़ी गई। लिखा गया, ममता बनर्जी जो संदेश दे रही है, शेख शाहजहां इस युवा लड़की के साथ बलात्कार करेगा और फिर भी आजाद रहेगा, आप बीजेपी वाले उसे बचा नहीं पाएंगे। मैं वोट के लिए हर महिला का बलिदान देने और बंगाल को संदेश खाली बनाने को तैयार हूँ। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी और पार्टी के बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने भी टीएमसी पर निशाना साधते हुए इस पोस्ट को रिपोस्ट किया है। वही बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य ने इसे लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने इस पोस्ट को दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने कहा, ये कार्टून बंगाल का नाम खराब कर रहा है। भट्टाचार्य ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में ऐसे बदनाम और आपत्तिजनक और अपमानित करने वाला कार्टून कभी बना होगा। ऐसा मुख्यमंत्री जो देश के संघीय ढांचे के बारे में बात करता है, वो देश के प्रधानमंत्री को लात मार रहा है। क्या ये पॉलिटिकल पार्टी है? इससे तो पश्चिम बंगाल का नाम खराब हो रहा है। बता दिए, घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जो सत्तारूढ़ टीएमसी ने भारत के चुनाव आयोग से न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय, जो बीजेपी के तमलुक उम्मीदवार भी है, कि बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बीते दिनों एक चैनल से बात करते हुए अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा था कि ममता बंदोपाध्याय मोने होच्छे मृत्युर घंटा बेजे गेछे। इसका हिंदी में मतलब है, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की मौत की घंटी बज चुकी है। गांगुली ने बाद में स्पष्ट किया था कि उनका इरादा सीएम पर व्यक्तिगत हमला करने का नहीं था, बल्कि ये सिर्फ भाषण का एक रूपक था। अब टीएमसी के पोस्ट पर भी बीजेपी यही कह रही है कि पीएम मोदी को मारने की धमकी देने जैसा पोस्ट है। बीजेपी भी चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है। अब देखना होगा चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।